कच्चा थीवू द्वीप को लेकर बोले श्रीलंका के मंत्री जीवन टोंडामन। कहा कच्चा थीवू पर भारत से बात नहीं हुई, लौटने को कहा तो जवाब देंगे। बीजेपी ने कहा था द्वीप वापस लेने की कोशिश। पाकिस्तान ने भारत पर हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर साउथ एशिया की शांति को बिगाड़ने का लगाया आरोप। कहा भारत हथियार बढ़ा रहा, हम पर अचानक कर सकता है हमला, एक्शन नहीं लिया तो तबाही की वजह बनेगा। चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश को अपना बताने के दावे पर विदेश मंत्रालय का बयान आया सामने। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा अरुणाचल में नाम बदलना बेतुका, हम इनको खारिज करते हैं, इससे सच्चाई नहीं बदलेगी। वहीं विदेश मंत्री अजय शंकर ने कहा हमने ठीक ही इसे नासमझी बताया, ऐसा बार बार दोहराना भी नासमझी। मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का था और हमेशा रहेगा, किसी और के घर का नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान के चुनावी रण में मोदी, कोटपुतले में भरी हुंकार, विपक्ष पर साधा जमकर निशाना, कांग्रेस ने हमेशा ERCP को लटकाया। राजस्थानी अंदाज में बोले दाल बाटी चूरमा वोटर मारा सूरमा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 10 साल में जो हुआ वैसे ट्रेलर, अभी बहुत कुछ करना है, हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है, हमें राजस्थान को बहुत आगे लेकर जाना है। भाजपा का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक और निर्णायक फैसलों का कार्यकाल होने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वे कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बताओ बचाओ, मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खुद के चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहे लेकिन देश को धमकी दे रहे। कहते हैं कि अगर भाजपा जीती तो देश में आग लग जाएगी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, 6 महीने बाद जेल से आएंगे बाहर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दी जाने पर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। कहा जेल भी कोर्ट भेज रही है और बेल भी कोर्ट दे रही है लेकिन ये संविधान विरोधी लोग दोहरा चरित्र अपनाते हैं और संविधान व संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। संजय सिंह को जमानत दिए जाने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को राहत मिली, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को भी न्याय मिलेगा, भाजपा घबराई हुई वो हारने वाली नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 2014 से पहले दुनिया में भारत का सम्मान नहीं रह गया था, वहीं नक्सलवाद था, कहीं आतंकवाद था, देश में भय का वातावरण बनाया गया था, परिवारवाद के नाम पर देश में लूट खसोट करने की छूट उन लोगों को दी गई थी। संजय सिंह को जमानत दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा एक के बाद दूसरा आम आदमी पार्टी का भ्रष्ट नेता जेल गया, उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है और अरविंद केजरीवाल बेईमान है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी चीन के साथ व्यापार में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है, वही जो हमारे देश का अंग है, चीन उस पर कब्जा जमाने के लिए मांग कर रहा है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हमारी सीमाओं में चीन घुसपैठ कर रहा है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप्पी साधे। केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी ने भाजपा पर लगा आरोप, कहा भाजपा में आओ वरना जेल भेजेंगे, 4 और नेताओं की गिरफ्तारी की कोशिश, भाजपा ने आरोपों को बता दे रहा था। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलियन पुलिस ने रिवर ब्रिज के नीचे से 3 संदिग्ध देशी बम बरामद किए, पुलिस और बम निरोधक दस्ता की टीम ने बम को निष्क्रिय किया। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की 11वीं लिस्ट, 17 कैंडिडेट्स के नाम का किया गया ऐलान, आंध्र प्रदेश जगन मोहन की बहन शर्मिला को टिकट मिला। मावा मोइत्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस, सीबीआई की FIR के आधार पर ईडी का एक्शन, कैश फॉर क्वेरी केस में की गई थी उनकी सांसद। कांग्रेस नेता अमीन पठान को मिली राहत, राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर की, वन कर्मियों को धमकाने के मामले में 17 मार्च को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यूपी के चित्रकूट में भीषण सड़क हादसा, चित्रकूट में डंपर ने रक्षक को मारी टक्कर, हादसे में 5 लोगों की जान चली। अजय देवगन स्टारर स्पोर्ट्स ड्रामा बायोपिक मैदान का फाइनल ट्रेलर हुआ, 2 मिनट की ट्रेलर में अजय देशभर में घूम घूम कर फुटबॉल खिलाड़ी इकट्ठे करते दिखाई दे रहे हैं। काजोल ने अजय के साथ शेयर किया फनी पोस्ट, जन्मदिन की बधाई दी बोली मैं जानती हूं तुम बर्थडे और केक के बारे में सोचकर बेहद एक्साइटेड। बॉलीवुड के सबसे कामयाब एक्ट्रेस में शामिल अजय देवगन 55 साल के हुए, कुछ साल में 250 थिएटर्स के मालिक होंगे अजय देवगन। दोस्त उड़ाते थे शक्ल का मजाक, 33 साल से हर साल हिट देने वाले इकलौते एक्टर। सलमान और अर्जुन के रिश्ते पर बोले बॉनी कपूर, बोले बॉनी ने अपने बेटे की ग्रोथ का क्रेडिट सलमान खान को दिया, कहा भले ही आज दोनों का बॉन्ड बेहतर नहीं पर सलमान ने ही अर्जुन को गाइड किया। T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, बॉलिंग फिटनेस ठीक नहीं होने की वजह से फैसला लिया, कहा बेहतर ऑलराउंडर बनना चाहता था।
मुंबई की तीसरी हार के बाद हार्दिक पंड्या की कप्तानी पर उठे सवाल। सिद्धू बोले, हार्दिक को इंडिया का कप्तान मानकर एमआईए ने कमान सौंपी। बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए रोहित के नाम की घोषणा देरी से की। मुख्यमंत्री बृजलाल शर्मा ने चित्तौड़गढ़ से भरी हुंकार। भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी की नामांकन रैली को किया संबोधित। कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी भी मौजूद रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भरा चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से नामांकन। रोड शो कर किया शक्ति प्रदर्शन। नामांकन रैली में मुख्यमंत्री ने बोला कांग्रेस पर जमकर हमला। जोधपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी की नामांकन सभा में जुटे दिग्गज। गहलोत, रंधावा, डोटासरा, जूली पायलट समेत कई नेताओं ने की शिरकत। भाजपा सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने किया इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला। परिवहन कार्यालयों में जींस टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे कर्मचारी। पुरुष कार्मिकों को पैंट शर्ट में आना होगा दफ्तर। महिला कर्मचारी साड़ी और सूट में आएंगे ऑफिस। परिवहन आयुक्त मनीषा अरोड़ा ने जारी किए निर्देश। झुंझुनू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1,55,00,000 की नकदी जब्त की। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भिलवाड़ा में ट्रक और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत, 2 लोगों की जान गई, 1 की हालत गंभीर। ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। जिला निर्वाचन विभाग की ओर से अलवर शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में होम वोटिंग को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। मतदाता केंद्रों के पीठाधीन अधिकारी, सहायक पीठासीन और पीओ सहित कुल 360 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सेक्रेटरेट मजिस्ट्रेट को भी शामिल किया गया। प्रतापगढ़ के अनौद उपखंड के उचवानिया गांव में खेत पर लगे ट्रांसफार्मर फॉल्ट होने के बाद आग लगी। तेज हवाओं के साथ पूरे खेत में फैली आग। स्थानीय लोगों की मदद से मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। डिडवारा में कार और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत, हादसे में बाइक सवार गंभीर घायल हुआ। घायल को पहुंचाया गया राजकीय बागड़ जिला अस्पताल। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। झालावाड़ में पॉक्सो न्यायालय 1 ने नाबालिग से दुष्कर्म आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 50,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा बणियाना की बैठक संपन्न हुई। प्रियम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संघ के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राणी दान सिंह भुट्टो व उपशाखा बणियाना के अध्यक्ष उत्माराम जाखड़ के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक में प्रधानाचार्य खेम सिंह गोदारा व संगठन मंत्री गंगा सिंह भाटी की गरिमा में उपस्थिति में विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। आसन में ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय विजय क्लब प्रांगण में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक। पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा ने मेवाड़ा भाजपा पर किया कटाक्ष, कहा जोशी द्वारा मेमू कोच फैक्ट्री का शिलान्यास किया लेकिन सरकार बदलते ही भाजपा सरकार ने उनको बंद कर दिया। नागौर के जाल में अजमेर आईजी लता मनोज कुमार ने संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी लता मनोज कुमार ने जाल विधानसभा क्षेत्र के तरनाऊ स्थित मतदान केंद्र का निरीक्षण किया और लोकसभा चुनाव को लेकर 256 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, चाय व ट्राई साइकिल की उचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए। झुंझुनू के सूरजगढ़ में मतदाता जागरूकता के लिए जिला निर्वाचन विभाग मुस्तैद है। स्वीप अभियान के तहत कराए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम। बस स्टैंड पर छात्राओं ने बनाई रंगोली। रंगोली के जरिए मतदाता जागरूकता का आमजन को संदेश दिया गया। वाइस प्रिंसिपल मंजू ठौलिया, अनिल शर्मा, अनमोल और अन्य लोग मौजूद रहे। बकानी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रात्रि के समय रोड पर वाहनों का पीछा कर जींस चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान कार्रवाई की। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश माली ने राजसमंद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नादवारा नगर के गणगौर घाट क्षेत्र में बरास नदी में हो रहे अतिक्रमण हटवाने की मांग की। जिला कलेक्टर ने नादवारा उपखंड अधिकारी को इस मामले में जल्द आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय चिल्ड्रन बुक डे पर बाल कल्याण समिति ने जरूरतमंद बच्चों के बीच पहुंचकर उन्हें पाठ्य सामग्री वितरित की। इस दौरान समिति अध्यक्ष ने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। वहीं परिजनों को बच्चों की शिक्षा से जोड़ने और बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम न करवाने का आह्वान किया। धौलपुर जिला परिवहन में सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में निर्धारित लक्ष्यों की 100% प्राप्ति के लिए सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मथुरा प्रसाद मीणा के आतिथ्य में हुआ आयोजन। जिला परिवहन अधिकारी देवानंद व उनके सभी निरीक्षकों के साथ कार्यालय स्टाफ को प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया गया। खैरसर मंडी में 35 वर्षीय विधवा महिला को जहर देकर हत्या करने का मामला है। सामने परिजनों ने आरोप लगाते हुए खैरसर मंडी में पूरी बारदाने का काम करने वाले तिलक पर हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अलवर की राजगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी किए गए 2 जोड़ी लोहे के गेट के साथ 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरी का माल खरीदने वाले कबाड़ी को भी गिरफ्तार किया। 30 मार्च को परिवारी ने दर्ज करवाया था मामला। अलवर के राजगढ़ थाना कस्बे के बस स्टैंड स्थित रिलायंस कार्यालय के बाहर से अज्ञात चोरों ने बाइक चोरी कर जला दी और जली हुई बाइक सुनसान जगह छोड़कर फरार हुए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
करौली पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के नेतृत्व में जिला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को दबोचा। आरोपियों ने कैला देवी के पास रामपुरा घाटी में चालक से मारपीट कर कार को छीना था। ख्याति जारा के किशनगढ़ बास में नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला। थाने में गैंगरेप पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर परिजनों ने एसपी से लगाई गुहार। एसपी मनीष कुमार चौधरी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत दर्ज करने के लिए निर्देशित किया। भवानी मंडी पुलिस और आरपीएफ मंडल कार्यालय कोटा की संयुक्त कार्रवाई। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 30 किलो 185 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया। दो तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद की गई डोडा चूरा की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई गई। भरतपुर में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कलेक्टर और एसपी ने डी कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र के इखला और भील मका मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस थाना सदर डीक में सीएलजी की बैठक ली। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर और एसपी ने मतदान केंद्रों पर मौजूद अधिकारी कर्मचारियों से बातचीत की। अजमेर में रूपनगढ़ के सुरसुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 अप्रैल को प्रस्तावित रैली के सिलसिले में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू की गई। रैली का मकसद नागौर जिले के साथ अजमेर लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स को साधना है। प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरसुरा का दौरा कर रैली के मद्देनजर तैयारियों को परखा है। जयपुर के चौमू में गोविंदगढ़ एसएचओ हेमराज सिंह गुर्जर को सफलता मिली। ट्रैक्टर चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। दो आरोपियों को अलवर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी सुनील पॉक्सो एक्ट के मामले में फरार चल रहा था। चोरी का ट्रैक्टर भी पुलिस ने बरामद किया। संभागीय आयुक्त अजमेर महेश चंद्र शर्मा और आईजी पुलिस अजमेर लता मनोज कुमार ने विधानसभा क्षेत्र का मेड़ता का दौरा किया। इस दौरान ग्राम डांगाबास और मेड़ता सिटी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मतदान केंद्र का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को मतदान शांतिपूर्ण कर पाने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। मेड़ता सिटी में शीतला माता के पावन पर्व पर मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी है। महिलाओं ने शीतला माता की पूजा की है। माता रानी को ठंडे पकवानों का भोग लगाया है। महिलाओं ने परिवार के स्वस्थ रहने और कुशल मंगल होने की कामना की। अलवर की जनता कॉलोनी में चोरों ने बकाया सोने मकान को निशाना। चोर घर से 1,45,000 के नकदी जेवरात लेकर फरार हो गए। 30 मार्च को मकान मालिक नितेश गया था अपने गांव अकबरपुर। मकान मालिक ने एनईबी पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। शाहबाद के जंगलों में फिर लगी आग। बीते सप्ताह में 3 से 4 बार लग चुकी आग। सघन वन क्षेत्र राजपुर के पास खो में लगी भयंकर आग। वन विभाग के कर्मचारियों ने आग बुझाने का प्रयास किया। बड़ी संख्या में फॉरेस्ट जाप्ता मौके पर पहुंचा। झुंझुनू के बुहाना में अवैध गांजे के साथ बुजुर्ग तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के कब्जे से 2 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। डीएसटी प्रभारी शेर सिंह फोगार के नेतृत्व में बुहाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी ढाणी संपत सिंह निवासी मदन सिंह जोगी है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। हलसुन थाना क्षेत्र के जैतपुरा फाटा के पास बस और स्कॉर्पियो की जबरदस्त भिड़ंत हुई। स्कॉर्पियो में सवार बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर के लिए रेफर किया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। पाली के देसरू में आस्था का केंद्र सोनाणा खितलाजी जूनी धाम का 2 दिवसीय वार्षिक मेला 8 और 9 अप्रैल को आयोजित होगा। भक्तराज रमेश कुमार की प्रेरणा से पुष्पा बाई कांतिलाल फुलफगर परिवार की ओर से आयोजित होगा। सोनाणा खितलाजी जूनी धाम ट्रस्ट कमेटी की ओर से खितलाजी दरबार को दुल्हन की तरह सजाया गया। श्रीगंगानगर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस सर्किल खुशीकरणपुर और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई। पुलिस ने 15,000 लीटर कच्ची शराब का लाहन नष्ट किया है। 3 शराब बनाने की चालू भट्टी भी पकड़ी है। करीब 70 लीटर अवैध शराब जब्त की है लेकिन तस्कर मौके से फरार। लाडनू के राजकीय अस्पताल के डॉक्टर पर मरीज ने लगाया बदतमीजी का आरोप। मरीज ने धक्का देकर बाहर निकालने और बदतमीजी का आरोप लगाया है। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर डॉक्टर के खिलाफ जांच की मांग की। पीड़ित महिला मरीज ने थाना अधिकारी को रिपोर्ट दी। लाडनू के जैसलान गांव में श्री कृष्णा गौशाला के लिए कथा का आयोजन। कथा के 3रे दिन कथा व्यास पंडित रामपाल शर्मा शास्त्री को सुनने ग्रामीण पहुंचे। कथा के दौरान हरदेवा राम थोरी जैसलान ने 2 बीघा जमीन श्री कृष्णा गौशाला के वास्ते दान की। साथ ही 11,000 राशि भी परिदान की गई है। कथा के बाद आरती और प्रसाद का वितरण किया गया। ब्यावर की सिटी थाना पुलिस ने युवक को छावनी क्षेत्र से 28 ग्राम 280 मिलीग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। युवक के कब्जे से 5,42,945 रुपए भी मिले। बताया जा रहा है कि राशि स्मैक बेचकर अर्जित की गई। पुलिस युवक से पूछताछ में जुटी। ब्यावर के बीच प्लाज गांव के ग्रामीणों ने गांव में होने वाली असामाजिक और अवैध गतिविधियों को रोकने की मांग की। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। मांगों को लेकर पिपलाज के सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन दिया। 12 में कृषि उपज मंडी में जींस बेचने आए किसान का ट्रैक्टर चोरी हुआ। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। एमपी के शोपुर जिले से धनिया बेचने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से मंडी में आया था पीड़ित किसान।
प्रतापगढ़ में पुलिस और आबकारी विभाग ने देशी शराब के अड्डों पर छापा मारा। शराब की भट्टियों और 4,200 लीटर वॉश को नष्ट किया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हुआ। पुलिस ने मौके से शराब बनाने के उपकरण और ड्रम भी जब्त किए। पुलिस फरार तस्करों की तलाश में जुटी। कोटा जिले के गनवास के बाछीहेटा गांव में गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लगी। पलभर में हवा के साथ फैली आग से गेहूं की फसल खाक हो गई। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग फैलती गई। किसान को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। डूगरपुर के आसपुर थाना पुलिस ने एक प्राइवेट बस से अफीम डोडा चूरा पकड़ा है। इंदौर से जोधपुर जा रही बस से अवैध डोडा चूरा ले जाने की शिकायत मिली थी। 12 किलो से ज्यादा डोडा चूरा जब्त किया गया है। तस्करी करते आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ जारी है। धौलपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराब बेचने वाले को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से अवैध देशी व अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। साथ ही आरोपी से शराब बिक्री की राशि भी जब्त की गई है। सदर थाना प्रभारी राम नरेश ने मामले को लेकर जानकारी दी। भीलवाड़ा में आसिन के जालरा गांव में स्थित भैरू बावजी मंदिर ट्रस्ट एवं ग्रामवासियों ने भैरूनाथ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और 31 कुंडात्मक महायज्ञ का आयोजन होगा। अंतर्राष्ट्रीय तीर्थस्थल सवाई भोज के महंत सुरेश दास महाराज और मालासेरी देव डूंगरी के पुजारी हेमराज पोस्तवाल के सानिध्य में 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आयोजन होगा। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हुई। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने हाथीपोल चौराहे पर कार्रवाई को अंजाम दिया। दुकानों के बाहर बने पक्के निर्माण को बुलडोजर की सहायता से ध्वस्त किया। साथ ही दुकानों के बाद लोहे के कैबिन रखकर किए गए अवैध अतिक्रमण को भी हटाया गया। राजसमंद की केलवा थाना पुलिस ने लोकसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 आरोपी स्थायी वारंटी चोरी के मामले में फरार चल रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में 166 वर्ष पुराने ऐतिहासिक बारा भाई मेले का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप खेल मैदान में उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा ने मेले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेला जैसे जैसे कस्बे के प्रमुख मार्गों से गुजरा आमजन का सैलाब उमड़ता गया। डूगरपुर के व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ कॉमर्स के 8वीं बार के गुप्ता बने जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष बनने के बाद के गुप्ता ने प्रेस वार्ता की। कहा, व्यापारियों के संरक्षण के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करने और अधिक टैक्स देने वाले व्यापारियों को जिला स्तरीय समारोह में सम्मानित करने की मांग की गई। डूगरपुर शहर के वसुंधरा विहार कॉलोनी स्थित गायत्री शक्तिपीठ में 3 अप्रैल से 4 दिवसीय 108 कुंडे महायज्ञ का आयोजन होगा। गायत्री परिवार की ओर से आयोजन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में मम्स रोग का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जयचंद मोहिल सामुदायिक चिकित्सालय में इस बीमारी से ग्रसित कई मरीज आने लगे हैं। इसका असर ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों में दिखाई दे रहा है। डूगरपुर के सागवाड़ा उपखंड पर 5,000 लीटर महुआ वॉश और शराब बनाने में प्रयुक्त भट्टियों को नष्ट किया गया। देशी महुआ शराब से 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले के विश्व प्रसिद्ध चारभुजा गढ़ बोरनाथ के फागोत्सव में बास्योड़ा पर्व पर बीरबल बादशाह की परंपरागत शाही सवारी निकाली गई, जिसमें कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। सीकर के फतेहपुर में लोकसभा चुनाव में 100% और निष्पक्ष मतदान का संदेश देने के लिए जागरूक किया गया है। मोदीसन कॉलेज में स्काउट कैंप और चीफ मोतीराम माहिचा ने जागरूक किया है अधिक से अधिक मतदान करने की अपील। भारतरा के कनाना गांव में विश्वविख्यात शीतला माता कनाना गैर मेले का आयोजन हुआ। मेले में आसपास के गांव से हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। शीतला माता मंदिर पर पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की गई। गैर नृत्य दलों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। वह कृषि उपज मंडी में ट्रैक्टर ट्रॉली से नकली सरसों बेचने का मामला। संदेह होने पर आड़तियों ने सरसों की लैब में जांच करवाई तो सरसों नकली पाई गई। मंडी में सरसों लेकर आए आरोपी मंडी से नदारद हुए। व्यापारियों ने ट्रैक्टर ट्रॉली चालक को पकड़कर मंडी प्रबंधन को सूचित किया है। पूछताछ के बाद चालक को छोड़ा और सरसों को जब्त कर लिया। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके के बसई नवाब में बाईपास मोड़ के पास सवारियों से भरे टेम्पो और बाइक में टक्कर हो गई। घटना के बाद मौके पर टेम्पो के पलटने से बाइक नीचे फंस गई। हादसे में करीब 5 लोग घायल हो गए। बाइक सवार 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। सांबा के आर्य समाज भवन में हिंदू नववर्ष समारोह आयोजन समिति की बैठक आयोजित हुई है। हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले मेले को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही आयोजन समिति की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव भी संपन्न हुए। सर्वसम्मति से लक्ष्मीकांत शर्मा को अध्यक्ष, ब्रजमोहन सोनी सचिव व कृष्ण गोपाल शर्मा कोषाध्यक्ष चुने गए। सांगानेर के टोंक रोड चौधरी पेट्रोल पंप के पास ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या ने होम्योपैथिक क्लिनिक का उद्घाटन किया। इसको लेकर डॉक्टर नितिन शर्मा ने जानकारी। सदाशय में मतदान को 100% बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। गणगौर पूजन करने वाली युवतियों को डीएसपी अनिल कुमार माहेश्वरी ने मतदान के लिए जागरूक किया। अब युवतियां घर घर जाकर निकालेगी गणगौर बिंदौरी और करेगी मतदान करने की अपील। डीएसपी ने कहा, मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अनोखी मुहिम अवश्य रंग लाएगी।